नमस्कार। बीपीएससी स्पेशल में हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और उसी क्रम में आज ये दूसरी क्लास है। जहाँ तक हो चुका उससे हम लोग आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एकदम कोर हिस्ट्री से है, और ये संभावना है कि आप यदि इसको कर लेते हैं तो इस क्षेत्र से जो प्रश्न आएंगे वो आप करने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। मगध में पहला हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज कि मगध में परवर्ती गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपको पता होगा कि जब गुप्त डायनेस्टी समाप्त हो गई, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका एक तरह से एम्पायर था, तो मगध उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे सेवरल टाइप्स ऑफ किंगडम इस्टेब्लिश हो गए। उनके जितने भी फ्यूडल्स थे यानी सामंत थे, हर जगह उन्होंने अलग अलग राजवंशों की स्थापना की। तो मगध वाले एरिया में उत्तर गुप्त राजवंश की स्थापना हुई। पहले आप इसको जान लीजिए, इसी को परवर्ती गुप्त राजवंश या लेटर गुप्तास कहा जाता है। इसके फाउंडर थे कृष्णगुप्त, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कृष्णगुप्त फाउंडर थे। किस परवर्ती गुप्त शासक को यानी इसी राजवंश के लेटर गुप्ता के शासकों को कहा जाता है असंख्य शत्रुओं का विजेता, या यह कहा जाता है विद्वानों से हमेशा घिरा हुआ रहता था। तो किस परवर्ती गुप्त शासक यानी लेटर गुप्त का रूलर के बारे में यह कहा गया, असंख्य शत्रुओं का विजेता और विद्वानों से घिरा हुआ, यह भी है कृष्णगुप्त। तो ध्यान में रखेंगे जो फाउंडर है उन्हीं के बारे में यह कहा गया। आगे है अगला, मोखरी राजवंश, जिस समय गुप्त राजवंश की समाप्ति हुई उसी समय जो मगध वाला एरिया था वहां पर तो आगे उत्तर गुप्त शासक, लेकिन जो वहां पर कन्नौज वाले इलाके में वहां पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई उसके बाद, वह थे मोखरी राजवंश। तो उन्होंने मगध पर अटैक किया, मोखरी शासक ने मगध पर अटैक किया जिसको मगध के शासक ने पराजित कर दिया, वह थे कुमारगुप्त। यानी कुमारगुप्त के समय में ही मोखरी शासक ने आक्रमण किया। यहाँ पर थोड़ा सा आप इस बात को भी ध्यान में रखें, जैसे कि यदि समझ में ना आ रहा हो तो मैं इस फिगर से आपको समझा देता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। आफ्टर गुप्तास क्या हुआ, कुछ नए राजवंश इस्टेब्लिश हुए, कोई ऐसा नहीं था कि पूरा भारत किसी एक सिंगल राजवंश के अंतर्गत में था, सेवरल टाइप्स ऑफ किंगडम आए। इस एरिया में मगध वाले एरिया में तो लेटर गुप्तास आ गए, आप समझ रहे होंगे कृष्णगुप्त। वहीं कन्नौज वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, यहाँ पर मोखरीज आ गए, इन्होंने ही यहाँ पर अटैक किया था। शासक का नाम है ईशान वर्मन, ईशान वर्मन, ध्यान में रखेंगे, ईशान वर्मन ने ही लेटर गुप्ता पर आक्रमण किया था और कृष्णगुप्त ने पराजित कर दिया। ईशान वर्मन के बारे में मैं एक बात और भी कह दूं कि यह संस्थापक भी है फाउंडर भी थे मोखरी राजवंश के। असल में ये भी मोखरीज के फ्यूडरल है, सामंत थे, ये भी गुप्तास के सामंत थे, ये भी गुप्तास के सामंत थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर लिया स्वतंत्र राजवंश, प्रयास यह था कि यहाँ पर आकर के और बड़े राज्य को एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन इन्होंने इसको हरा दिया। वहीं पर आप एक बार और भी ध्यान रखेंगे, थानेश्वर के आसपास में, ठीक है, हरियाणा में थानेश्वर के आसपास में पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन राजवंश भी कहा जाता है, जिसका सबसे प्रतापी राजा हुआ हर्ष, जिसे आप हर्षवर्धन भी कहते हैं, उत्तर गुप्त में सबसे इंपॉर्टेंट राजा हर्षवर्धन, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर पुष्यभूति राजवंश था थानेश्वर में, जिसे वर्धन राजवंश, उसके नीचे कन्नौज में मोखरी और फिर लेटर गुप्ता। इस साइड में आएंगे गुजरात में वल्लभी के आसपास के क्षेत्र में मैत्रक राजवंश था, ठीक है, मैत्रक राजवंश, यह भी उत्तर गुप्त राजवंश है। वहीं यहां पर कहां पर डेक्कन वाले एरिया में, यहां पर आगे चालुक्य, जिसे कहा जाता है बादामी के चालुक्य, जिसे बादामी के चालुक्य भी कहते हैं आप। इसे पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। जब गुप्त ऊपर में थे तो नीचे में यहां पर वकाटक थे, तो आप ध्यान में रखेंगे वकाटक,
वकाटक के बाद ही, वकाटक के बाद इस एरिया में, ऊपर में गुप्त, इस पूरे एरिया में गुप्त थे, यहां पर वकाटक थे। वकाटक के बाद यहां पर बदामी के चालुक्य आए, और बदामी के चालुक्य के बाद इस डेक्कन वाला एरिया में, यानी कि दक्षिण भारत के ऊपर वाले पार्ट में, फिर बदामी के चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट आए। ठीक है, आपको आप समझ में आ गया होगा। और दक्षिण भारत में उसी समय पल्लव राजवंश था, इसको भी आप ध्यान रखें। यहां पर कुछ और बातें आप देख लीजिएगा, वो यह है बंगाल वाले एरिया में यहां पर एक थोड़े समय के लिए एक राजवंश स्थापित हुआ, गौड़ राजवंश। यह भी उत्तर गुप्त राजवंश है, गौड़ राजवंश, जिसके प्रतापी राजा है शशांक। शशांक इसके सबसे प्रतापी राजा। यह भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में रखें कि किस शासक ने महाबोधि वृक्ष को काटा था पहली बार, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गौड़ शासक शशांक ने ही काटा। एक बात ध्यान रखेंगे वह यह है कि जब तक शशांक जीवित रहा तब तक पुष्यभूति राजवंश के जो सबसे प्रतापी राजा हैं हर्ष, जो उत्तर गुप्त काल के सबसे इंपॉर्टेंट राजा भी हो जाएंगे आगे चलकर, वो अपना विस्तार इधर नहीं कर पाए। शशांक जब मृत्यु हो गई तभी जाकर के वो अपना विस्तार इधर कर पाए। अपने पूरे जीवन में एक बात ध्यान में रखेंगे, हर्ष कभी भी शशांक को हरा नहीं पाया। दूसरा पॉइंट, जबकि हर्ष का बड़ा भाई, मैं बता देता हूं, हर्ष का बड़ा भाई था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को गौड़ शासक शशांक ने डिफीट भी किया था और मार भी दिया था, डिफीट भी किया और मार भी दिया। ठीक है, इसके बावजूद भी पूरे जीवन काल हर्ष इसको डिफीट नहीं कर पाया। इधर बढ़ना तो छोड़ दीजिए, जब तक शशांक रहा वो आगे बढ़ भी नहीं पाया, लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष मगध तक पहुंच गया था। हम लोग आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे, शशांक के समय हर्ष भी है यहां पर, यहां पर शशांक है, और यहां पर एक बहुत प्रतापी राजा है वकाटक के, वो है पुलकेशिन सेकंड, जिनका एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख। इससे जानकारी मिलती है कि शशांक ने इन पर दो बार अटैक किया था पुलकेशिन द्वितीय पर, दोनों बार वो डिफीट हुआ शशांक, तो याद रखेंगे। और एक बात यह भी जान लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच भी युद्ध हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय वह युद्ध भी जीते हैं। यानी इन तीनों में यदि मैं कहूं, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक और हर्ष में सबसे प्रतापी हो गए पुलकेशिन, सेकंड नंबर पर शशांक और थर्ड पर हर्ष। शशांक के जाने के बाद ही हर्ष अपना विस्तार इधर कर पाएंगे। ठीक है, और इसी से संबंधित हम लोग अगला प्रश्न भी देख लेंगे। तो मोखरी शासक ईशान वर्मा थे जिनको हराया था कुमार गुप्त ने। मगध क्षेत्र में हर्षवर्धन किसका, हर्षवर्धन ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था किसे, तो माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मगध क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था माधव गुप्त को। मैंने कहा था ना कि शशांक के मृत्यु के बाद वह मगध क्षेत्र को जीतेगा और उसके बाद जाकर के अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा माधव गुप्त, याद रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मगध के किस पर्वती गुप्त शासक इलेटर गुप्ता रूलर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, आदित्य सेन ने कराया था। ये याद रखेंगे, सबसे प्रतापी राजा भी हैं इलेटर गुप्ता के। यहां पर एक बात ध्यान रखिए, गुप्त और इलेटर गुप्त में एक बहुत बड़ा अंतर है। जितने भी गुप्त शासक थे उन्होंने अपने आप को के टाइटल के पीछे गुप्त लिखा है, चाहे कोई भी रहे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, है ना, जो भी, इनके पीछे कोई जरूरी नहीं है कि सबके पीछे गुप्त हो, ध्यान में रखें। अंतिम गुप्त शासक कौन हुए हैं लेटर गुप्ता किंग, जीवित गुप्त सेकंड, याद रखेंगे जीवित गुप्त सेकंड जो थे वह अंतिम लेटर गुप्ता किंग है, जिसको किसने पराजित किया था, कन्नौज के शासक ने इनको पराजित करके हत्या कर दी थी। कन्नौज के जिस शासक ने इनको हराया था वह था यशोवर्मन। यशोवर्मन बेसिकली मालवा के शासक थे और धीरे धीरे इन्होंने इनके जो मालवा के वर्मन राजवंश भी कहा जाता है इसको, मालवा का वर्मन राजवंश, तो मालवा के वर्मन राजवंश से संबंधित है यशोवर्मन। यही वर्मन राजवंश पहले क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार करता है,
कन्नौज पर अधिकार के क्रम में उस समय मोखरी राजवंश है, आपको पता ही है, तो मोखरी राजवंश को समाप्त करता है कौन? वर्मन राजवंश, और उसी का एक राजा यशोवर्मन आगे चलकर मोखरी को समाप्त तो हो ही गया था, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं, मगध तक। तो मगध तक पहुंचने वाला जो है वह कन्नौज का शासक बेसिकली यशोवर्मन को आप मोखरी नहीं समझ लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है, ये मालवा के थे, आगे चलकर कन्नौज को जीत लिया, तो कन्नौज ही उनकी राजधानी हो गई थी और उसके बाद इन्हें कन्नौज का शासक कहा गया। यशोवर्मन, वर्मन राजवंश, इनके दरबार में एक राजा रहते हैं, एक कवि रहते हैं जिनका नाम है वाक्यपति, जिनकी एक बुक है गौड़ वाहो, जो प्राकृत्य भाषा में है, याद रखेंगे गौड़वाहो जो बुक है वाक्यपति की है प्राकृत्य भाषा में। ये किसके दरबार में रहते थे, यशोवर्मन के दरबार में, यही यशोवर्मन जीवित गुप्त को पराजित किया था। आगे चलिए, आपको पता है कि बुद्ध की कांस्य प्रतिमा मिली है, ब्रॉन्ज स्कैप्चर्स मिला है, वो कहां से मिला है, सुल्तानगंज से मिला है, लगभग यह 7.5 फीट ऊंचा है, ध्यान रखेंगे ये गुप्तकालीन था, कब का बना हुआ है, गुप्त पीरियड का है। आगे देखिए, आगे आते हैं, एक चीनी राजदूत है, एक चीनी राजदूत है जिनका नाम है वांग हुआन से, वांग हुआन से, या बेसिकली मगध आते हैं घूमने फिरने के लिए, और उस समय उत्तर गुप्त शासक है आदित्य से, ठीक है, तो याद रखेंगे वांग हुआन जो आए थे घूमने के लिए उस समय मगध का शासक कौन था, आदित्य सेन, जिसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया, पर्वती गुप्त शासकों में सबसे फेमस भी। एक और चीनी यात्री है इत्सिंग, ठीक है, इन्होंने भी भारत आया तो बिहार का भी दौरा किया, वो बेसिकली भारत जब आए थे 673 में ही भारत आए, ठीक है, और उसी साल उन्होंने बिहार की भी यात्रा की। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि वे लगभग भारत में जो रहे हैं वह रहे हैं 689, याद रखेंगे 689 तक वो भारत में रहे, ये लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, कब से 673 में ये आए, बिहार का भी दौरा किया, फिर 675 से लगातार ये नालंदा में शिक्षा ग्रहण किए। यहां पर एक प्रश्न ये भी आया है कि इन्होंने 3 साल तक संस्कृत की भी पढ़ाई की है, कहां पर की है 3 साल तक, ताम्रलिप्ति में, ताम्रलिपि या ताम्रलिप्ति भी कहा जाता है, ये बंगाल में पड़ता है, ताम्रलिप्ति जो बंगाल में पड़ता है, बंगाल का एक बंदरगाह है, वहां पर इन्होंने लगातार 3 साल संस्कृत की भी पढ़ाई की थी इत्सिंग में, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। आगे है एक और यात्री है ह्वेनसांग, इनसे पहले आते हैं, इत्सिंग से पहले आते हैं, हर्ष के शासनकाल में भारत में आए, ध्यान में रखेंगे, और यह पाटलिपुत्र का दौरा करते हैं 635 में, वैसे ये भारत आए हैं 630 में और 645 तक ये भारत में रहेंगे, हर्षवर्धन के काल में ये भारत में आए हैं, हर्षवर्धन के समय में एक महान बौद्ध सम्मेलन हुआ था, उसमें बकायदा उपस्थित भी थे ह्वेनसांग। इनकी बुक का नाम है सी यू की, याद रखेंगे इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, किसे, ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग के बारे में एक बात मैं और भी कह दू, ये हर्ष के विषय में कहता है कि हर्ष के शासन काल में उसके राज्य क्षेत्र में जो भी आदमी देशद्रोह का घटना करता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता। दूसरा पॉइंट इसने बकायदा कहा कि हर्ष ने अपने पूरे आय को 4 भागों में बांटा है, तो ये किसके विषय में कहा गया, ध्यान में रखेंगे हर्ष के विषय में, कि अपने आय को 4 भागों में बांटता था, पहला भाग वह रखता था राजा स्वयं अपने लिए, सेकंड भाग विद्वानों के लिए, थर्ड भाग अधिकारियों के लिए, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। ऐसा सारी बातें बकायदा ह्वेनसांग ने कहा है इसके विषय में, हर्ष के विषय में, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है।
पहला चीनी यात्री जो भारत भ्रमण करने के लिए आया था वो फाइहान था, गुप्त काल में आए थे ये, ठीक है, याद में रखेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, आपको पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला कहां पर है? भागलपुर में है, और धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। धर्मपाल गोपाल के पुत्र हैं, और याद रखें गोपाल जिन्होंने बंगाल में गौड़ के जाने के बाद, शशांक के जाने के बाद, जो मैंने आपसे कहा था गौड़ राजवंश, उसके बाद वहां पर बहुत लंबे समय तक मत्स्य स्थिति हो गई थी, कोई अव्यवस्था थी, तो जनता के द्वारा इन्हें एक बौद्ध धर्म के अनुयायी व्यक्ति को, गोपाल को राजा बनाया गया। इन्होंने पाल राजवंश की स्थापना की बंगाल में, और आगे चलकर के पालों के अंतर्गत बिहार भी बहुत समय तक रहा। यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे, ऐसा प्रश्न आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन राजा जनता के द्वारा चुना गया, तो गोपाल, गोपाल का ही पुत्र धर्मपाल था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और एक बात ध्यान रखेंगे, इन्हें उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है। सोढ़ल एक गुजराती कवि है, वही इन्हें उत्तरापथ स्वामी कहे थे, गोपाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसे। आगे, अच्छा गोपाल को नहीं, मैं धर्मपाल के बारे में कह रहा था, सॉरी, धर्मपाल के दरबार, इन्हें धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है, न कि गोपाल को, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। सोढ़ल कवि जो गुजराती कवि है, उन्होंने इसके बारे में ये कहा था। दूसरी बात और तीसरी बात, इसको भी ध्यान में रखें धर्मपाल के विषय में, ये कि धर्मपाल के पीरियड में एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में। तो ये धर्मपाल जो है, ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी पराजित हुए हैं, और यह प्रतिहार शासक से भी पराजित हुए हैं, वस्त्रराज और नागभट्ट, इन दोनों से ये पराजित हुए हैं। तो याद रखेंगे नागभट्ट और वस्त्रराज ये प्रतिहार शासक थे, इनसे भी ये पराजित हुआ है, और ध्रुव जो राजपूत शासक है उनसे भी धर्मपाल पराजित हुआ। आगे चलो, नालंदा महाविहार को वित्तीय अनुदान देने वाला शासक में से, याद रखेंगे, हर्ष ने भी दिया है, धर्मपाल ने भी दिया है, और देवपाल ने भी दिया। देवपाल कौन है? देवपाल धर्मपाल का पुत्र है, आपको अभी थोड़ा देर बाद में पता चल जाएगा। पाल राजवंश ने आगे चलकर के मुंगेर में राजधानी बनाई, ध्यान में रखेंगे राजधानी कहां बनाया था? मुंगेर, और इसको बनाने वाला कोई और नहीं था, देवपाल। देवपाल कौन हुआ? धर्मपाल का पुत्र। आगे चलिए, आगे एक शैलेंद्र वंशीय शासक है, शैलेंद्र वंश का शासन जो था वह था जावा और सुमात्रा के क्षेत्र में, इंडोनेशिया में। शासक का नाम था बालपुत्र देव। इन्होंने नालंदा में बौद्ध मठ बनाने के लिए देवपाल से, किससे? देवपाल से 5 गांव दान में मांगा था, ध्यान में रखेंगे देवपाल से, बालपुत्र देव शैलेंद्र। एक प्रश्न आ जाता है कि उदंतपुरी जो विहार है उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, जो संस्थापक थे पाल वंश के, ठीक है, गोपाल, उदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, और नालंदा कुमारगुप्त जो गुप्त राजवंश के। यहां मैं मेन स्ट्रीम हिस्ट्री थोड़ा कम बताऊंगा या नहीं के बराबर बताऊंगा, वो हम लोग क्लास में पढ़ लिया, अभी हम लोग बिहार स्पेशल की हिस्ट्री जिससे बिहार से डायरेक्ट संबंधित है वह पढ़ रहे हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम में भी बिहार पूरा है, लेकिन चूंकि अब वो हम लोग बिहार स्पेशल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जरा देख, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित दिग्नाथ और शीतभद्र, याद रखेंगे दिग्नाथ और शीतभद्र आचार्य थे नालंदा के, ध्यान में रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य कौन थे? दिग्नाथ और शीतभद्र। अतीश और दीपांकर, ये कॉमा होगा, अतीश और दीपांकर आचार्य कहाँ के थे? विक्रमशिला के, ध्यान में रखेंगे विक्रमशिला के। उदंतपुरी जो बिहार शरीफ यानी जो नालंदा में पढ़ता था उदंतपुरी, इसकी गोपाल ने स्थापना की थी, यहाँ के आचार्य थे शांति रक्षित। ऐसे प्रश्न खूब आएंगे, ध्यान से इसको लिखेंगे आप, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न, पाल राजवंश के काल में कांसे की मूर्ति बहुत अच्छा बनती थी, एक उन्नत शैली थी, और इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है वो धीमन नामक एक कलाकार, वास्तुशिल्पकार और विठ्ठल विठपाल को जाता है, धीमन और विठपाल।
ये दोनों जो थे धीमन और विटपाल, ये निवासी थे नालंदा के। कहाँ के निवासी थे दोनों? नालंदा। ठीक, पाल राजवंश में, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति, श्रीनगर भुक्ति किसके लिए कहा गया है? श्रीनगर भुक्ति ये मगध के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है भैया? मगध के लिए। आगे चलिए, दस सौ संतानवे अंठानवे में मिथिला या तिरहुत क्षेत्र में एक राजवंश की स्थापना होती है, कर्नाट राजवंश। उस किसके शासन काल में इसका स्थापना हुई थी? रामपाल। देखो पूरे बिहार, चूंकि बंगाल में पाल वंश का शासन था और बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र में भी पाल वंश का ही शासन था, तो जिस समय पाल वंश में के शासक रामपाल थे उसी पीरियड में मिथिला क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, वह कर्नाट राजवंश और रामपाल के समय में। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखे भैया है कि रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, और इसके बाद पाल वंश समाप्त हो जाएगा बंगाल में, उसकी जगह पर आएगा सैन राजवंश, और माना जाता है सैन राजवंश के संस्थापक है सामंत, सामंत सैन। ठीक है, सैन राजवंश के संस्थापक कौन है? सामंत सैन। रामपाल के समय में जो पाल राजवंश का अंत हुआ, इसमें माना जाता है कि एक जनजातीय समुदाय है जिसने विद्रोह किया था, जिससे उथल पुथल हो गई थी, कैवर्तों का विद्रोह, कैवर्तों, ठीक है, याद रखेंगे कैवर्तों, मैं सही से लिख देता हूं, कैवर्तों का विद्रोह। कैवर्तों का विद्रोह आता है किसके शासनकाल में हुआ था? जनजातीय समुदाय बंगाल का है, रामपाल के। रामपाल के लिए एक बुक भी लिखा गया है, रामपाल चरित्र। उसके दरबार में रहते थे एक व्यक्ति संध्याकर नंदी, फिर से मैं बोल रहा हूं, रामपाल के दरबार में एक व्यक्ति रहते हैं संध्याकर नंदी, उन्होंने रामपाल चरित्र यानी इस इनसे संबंधित एक बुक लिखा है, लिख लीजिएगा रामपाल चरित्र, संध्याकर नंदी। आगे, मिथिला और तिरहुत क्षेत्र में जो कर्नाट राजवंश की स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन थे? नन्यदेव। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, ये नेपाल में पड़ता है, सिमरावगढ़, याद रखेंगे, बिहार में नहीं था, नेपाल में था। वहीं पर बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो बख्तियार खिलजी का आता है, ठीक है, और बख्तियार खिलजी का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जीत जो बिहार में है वह है बिहार शरीफ, जो नालंदा में पड़ता है, और ओदंतपुरी। यहां पर ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्न आता है कि ओदंतपुरी बिहार को किसने जलाया, नालंदा बिहार को किसने जलाया, विक्रमशिला बिहार को किसने जलाया, या विश्वविद्यालय को किसने जलाया, तो सब में आप बख्तियार खिलजी का ही नाम लेंगे, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो गौरी का सेनापति था। कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी का मृत्यु जब हुआ तो इसको बिहार शरीफ में ही दफनाया गया है, ध्यान रखेंगे। असल में जब ये अहोम ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जब बिहार वार को पूरा रौन दिया, तो उसके बाद ये बंगाल पहुंचे, बंगाल में उसमें सैन शासक हैं लक्ष्मण सैन, सैन राजवंश का शासन था, पालों के बाद लक्ष्मण सैन ये अंतिम सैन राजवंश है, उसके बाद तुर्क सत्ता की वहां स्थापना हो गई, क्योंकि इन्होंने जब सुना कि बख्तियार खिलजी आ रहे हैं अटैक करने के लिए, अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर भाग गए और बख्तियार खिलजी वहां पहुंच गया। बख्तियार खिलजी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसे लगा हम पूरे भारत जीत सकते हैं, आसाम पहुंच गया। आसाम में उन दिनों अहोम थी, अहोम समुदाय का शासन था, गए तो थे लौ लश्कर के साथ, बुरी तरह पराजित हुए, पूरी सेना मर गई, किसी ढंग से अपना जान बचा करके ये लौटे, बहुत बीमार थे, और जब बीमार थे तो उत्तरी दिनाजपुर में एक जगह है देवकोट, उत्तरी दिनाजपुर में एक जगह है देवकोट, ये बंगाल में पड़ता है, उत्तरी दिनाजपुर में देवकोट एक जगह है, यहीं पर अली मर्दान, अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? बख्तियार खिलजी की, और उन्हें फिर वहां दफनाया गया। बिहार में पहला सैन्य अभियान करने वाला सुल्तान जो है यह है इल्तुतमिश, ध्यान में रखेंगे इस बात को। यदि कहा जाए कि तुर्क सुल्तानों का यानी दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक प्रभुत्व किस डायनेस्टी के समय बिहार में एस्टेब्लिश हो गया, तो वो है तुगलक पीरियड।
तुगलक पीरियड में एक एकदम डिसाइसिव कंट्रोल एंड एक तरह से प्रोविंस बन गया बिहार तुगलक पीरियड में आकर के। याद रखेंगे कर्नाट राजवंश के एक शासक है जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने अंतगतवा हरा दिया, वह थे हरि सिंह देव। याद रखेंगे हरि सिंह देव नन्न देव संस्थापक हुए और हरि सिंह देव को अंतगतवा गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित कर दिया। ध्यान में रखेंगे किसने पराजित किया, कौन तुर्क सुल्तान था इसने पराजित किया, यह सब आपको आएगा आगे ध्यान में रखेंगे किस दिल्ली के सुल्तान ने पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक वाजिब बात है तुगलक सल्तनत स्थापित हो गया। किस शहर का नाम बदल करके तुगलकपुर किया, तो दरभंगा या तिरहुत का नाम बदल करके तुगलकपुर किया, ठीक है याद रखेंगे। इन्होंने एक किला और जामा मस्जिद ही बनाया था, कहां पर, दरभंगा में। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दरभंगा में एक किला और जामा मस्जिद बनाया, ध्यान रखेंगे ठीक है आगे चलिए। जब तुर्क सत्ता सॉरी एक सल्तनत की स्थापना हो गई है ना, मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई, सल्तनत के अंतर्गत में आ गया बिहार, तो बिहार की राजधानी पहले बनी बिहार शरीफ, याद रखेंगे, जो आजकल आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है, यानी उस समय पटना नहीं। तो अभी इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।